एक गर्मियों की शाम थी। एक राजकुमारी पार्क में टहलने के लिए निकली थी। वह अपने हाथों में अपनी पसंदीदा चीज एक सुनहरी गेंद रखती थी। उसने गेंद को हवा में उछाला और फिर उसका जमीन पर गिरने का इंतजार किया। उसने गेंद को इतना ऊपर फेंका कि राजकुमारी को यह नहीं दिखाई दिया कि गेंद कहाँ गई। लेकिन फिर उसने पास की झील से एक आवाज सुनी। अरे नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी गेंद खो दी है, राजकुमारी ने निराशा में कहा। अब मैं अपने पिताजी को कैसे बताऊंगी कि मैंने वह कीमती उपहार खो दिया है जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं इसे वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। एक मेंढक ने सुना कि क्या हुआ था। राजकुमारी, क्या आप मुझे झील से आपकी गेंद निकालने की आज्ञा देंगी? हाँ हाँ, यह अच्छा होगा, राजकुमारी ने खुशी से ताली बजाई। मैं तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात दूंगी। लेकिन मेंढक ने मना कर दिया, मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, इसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करो और मेरे साथ खुशी से रहो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने साथ खाने और आपके बिस्तर पर सोने देंगी। ये क्या बेकार विचार है, राजकुमारी ने सोचा। मुझे संदेह हो रहा है कि ये बुरा मेंढक कभी भी मेरी गेंद को खोजने में सक्षम होगा। तो उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है, बस मुझे मेरी गेंद लाकर दे दो और मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई और जल्द ही उसका सिर सतह से बाहर निकल गया। ये मेरी रानी, आपकी गेंद। राजकुमारी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और बहुत खुश हुई। वह भूल गई कि उसने मेंढक से क्या वादा किया था और फिर वो राजकुमारी को पुकारता रह गया। राजकुमारी, मुझे अपने साथ ले चलो जैसा आपने वादा किया था। लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन राजकुमारी खाने के टेबल पर अपने परिवार के साथ बैठी थी जब किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी दरवाजे पर भाग कर गई और यह देखकर हैरान रह गई कि वो मेंढक था। राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और वापस टेबल पर आ गई। वह कौन था जिसने आपको इतना परेशान किया, मेरी बेटी? ओ पिताजी, कल मैं सोने की गेंद के साथ खेल रही थी जो आपने मुझे एक तोहफे के रूप में दी थी और मैंने इसे झील में गिरा दिया था। वहाँ एक मेंढक था और मेंढक ने मुझे झील के तल से इसे बाहर निकालने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। बदले में मुझे वादा करना पड़ा कि वह मेरे साथ यहाँ रह सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप एक राजकुमारी हैं और राजकुमारियां झूठे वादे नहीं करती। अपने शब्दों पर कायम रहें और उसे अंदर आने दें। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए गई और फिर मेंढक टेबल पर कूद गया। मेंढक ने अपना सिर राजकुमारी की ओर किया, कृपया मुझे उठाएं ताकि मैं बगल वाली कुर्सी पर बैठ सकूं। राजकुमारी ने मेंढक को अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया। मेंढक फिर से बोला, अब मुझे मेज पर लिटा दो ताकि मैं तुम्हारी सोने की थाली से खा सकूं। राजकुमारी ने उसे अनिच्छा से अपने हाथ में लिया और उसे अपनी थाली के बगल में रख दिया। खाने के बाद मेंढक फिर से बोला, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मुझे अपने कमरे में ले जाओ और मुझे अपने बिस्तर पर डाल दो। तो राजकुमारी उसे अपने कक्ष में ले गई। मेंढक राजकुमारी के बगल में सो गया और सुबह वह नीचे कूद गया और महल से बाहर चला गया। राजकुमारी जब नींद से जागी तो उसने देखा कि मेंढक चला गया।
शुक्र है अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह गलत थी क्योंकि शाम को मेंढक वापस आ गया। वह पहले से ही बिस्तर पर थी जब उसने दरवाजे पर वही दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला और मेंढक ने छलांग लगाई और उसने उसे तकिए पर लिटा दिया। अगली सुबह राजकुमारी जाग गई और देखा कि मेंढक चला गया था। वह वास्तव में आशा करती थी कि यह आखिरी रात हो, लेकिन शाम हो गई और मेंढक तीसरी बार उसके साथ आया तो सो गई। जब वह सुबह उठी, एक सुंदर राजकुमार अपनी सुंदर भूरी आंखों से उसे देख रहा था। वह सुखद रूप से हैरान थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि रात भर क्या हुआ था। राजकुमार ने उसे उस श्राप की कहानी सुनाई जो उस पर लगाया गया था। मैं एक राजकुमार था और मैं आपकी तरह ही एक महल में रहता था, लेकिन फिर एक दिन एक परी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक राजकुमारी को ढूंढना था जो मुझे अपने साथ रहने देंगी, अपनी थाली में खिलाएंगी और अपने बिस्तर पर सोने देंगी ताकि वो श्राप टूट जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आप वो राजकुमारी हैं जिसने मुझे अपने दुख से बाहर निकाला है। उसने घुटने टेक दिए और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस मेरी एक इच्छा है कि आप मुझसे शादी करें और मेरे पिता के राज्य में मेरे साथ रहें। राजकुमारी को हाँ कहने में देर नहीं लगी। उन्होंने शादी की और एक साथ खुशी से रहे।